गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट चैप्टर लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि अलग अलग स्टाइल कैसे देनी है। अब हम ये प्रोग्राम में सारे जितने भी टैग्स हमने ये चैप्टर में सीखे वो सारे चैप्टर के टैग यूज करके ये पूरा एक प्रोग्राम बनाया है, जिसमें हमने HTML हेड टाइटल दिया है 15 अगस्त, ऐसे बनाना है। फिर बॉडी पैराग्राफ H1 का यूज किया है कि दी इंडिपेंडेंस डे का हेडिंग देना है, उसको बोल्ड का यूज करके वो जो हेडिंग है उसको हम क्या करेंगे, बोल्ड में लिखेंगे। फिर ये जो पैराग्राफ की लाइन है वो हमें कौन से स्टाइल में चाहिए, इटैलिक। अब ये फाइल को हम सेव करेंगे। फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S, फिर यहाँ पे हमें जो फाइल का नाम देना है वो फाइल का नाम .html करके हम क्या करेंगे, फाइल को सेव करेंगे। फाइल को सेव करने के बाद वापस हम क्या करेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसको ओपन करेंगे, Ctrl+O प्रेस करेंगे। Ctrl+O प्रेस करने के बाद यहाँ से ब्राउज में जाके हमारी जो फाइल थी वो कौन सी फाइल थी, टेक्स्ट, तो वो टेक्स्ट फाइल को हम सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो इंडिपेंडेंस का ऐसे है वो इस तरह से हमें दिखेगा। यहाँ पे हमने टाइटल क्या दिया था, 15 अगस्त, तो ये यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। उसके बाद हमने हेडिंग दिया था द इंडिपेंडेंस डे, तो हमारा H1 का जो हेडिंग है वो यहाँ पे दिखाई देगा। फिर यहाँ पे हमने ये सेलिब्रेट किया है, उसके लिए जो भी सेंटेंस हमने पैराग्राफ में लिखे वो सारे पैराग्राफ के हिसाब से वो हमें सेंटेंसेस दिखाएंगे और कौन से स्टाइल में दिखाएंगे, इटैलिक स्टाइल में। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट टैग का यूज करके हम HTML में प्रोग्राम के थ्रू वेब डिज़ाइन या वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो हमने ये चैप्टर में क्या क्या सीखा कि कौन से टैग के मदद से हम वेबसाइट में वेब पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं।